हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम भी। दोस्तों मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक्सीएफओ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों अपनी आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नाबार्ड के लिए एआरडी का जो इम्पोर्टेंट एक और टॉपिक है रूरल डेवलपमेंट, उसको डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो में हम कंप्लीट रोड मैप को समझेंगे कि कैसे उसको पढ़ना है। और क्योंकि रूरल डेवलपमेंट बहुत बड़ा सब्जेक्ट नहीं है, सिलेबस भी आप देखेंगे तो आप इजीली समझ सकते हैं। इस वीडियो के बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा कि रूरल डेवलपमेंट आपको कैसे पढ़ना है। और जब भी आप कहीं से कुछ भी चीज़ पढ़ रहे तो आपको समझ आएगा कि आपका कैसे एग्रीकल्चर ESI GA के साथ रूरल डेवलपमेंट भी कंप्लीट होता चल रहा है। तो आपको एक्स्ट्रा या फिर स्पेशल एफर्ट नहीं लगाने पड़ेंगे, या बैक ऑफ योर माइंड आपके ये नहीं रहेगा कि यार मेरा रूरल डेवलपमेंट अभी छूटा हुआ है। ओके, तो इसको आज इस वीडियो में केवल इतना समझ लेंगे। तो सबसे पहले रूरल डेवलपमेंट का सिलेबस देखते हैं। रूरल डेवलपमेंट का सिलेबस अगर आप देखेंगे, इतना सा ही सिलेबस है, इसको भी तीन पार्ट में, तीन टॉपिक्स में डिवाइड कर लेते हैं। तीन टॉपिक्स में डिवाइड करने के बाद आप इजीली समझ पाएंगे और पढ़ भी पाएंगे। पहला क्या है, पहले ही डेफिनेशन समझनी है कंसेप्ट ऑफ रूरल एरिया। ओके, तो पहला टॉपिक इतना ही है, कंसेप्ट ऑफ रूरल एरिया, मतलब रूरल एरिया हम किसे कहते हैं। ओके, रूरल एरिया हम किसे कहते हैं। दूसरा टॉपिक है रूरल पॉपुलेशन इन इंडिया। तो रूरल पॉपुलेशन से क्या मतलब है कि आपको सेंसस पता होना चाहिए। सेंसस के अकॉर्डिंग जो अर्बन रूरल डिवाइड है वो सारी चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि जो जैसे होता है कि सेक्स रेशियो, लिटरेसी रेशियो, ये सारी चीजें पूछ ली जाती हैं। तो ये सारा रूरल पॉपुलेशन में हो जाएगा, और फिर वो जो पॉपुलेशन है वो क्या करती है, ये सब कुछ रूरल पॉपुलेशन में। तो पहला टॉपिक था, इसको आप स्टैटिक पार्ट बोल सकते हैं, कंसेप्ट ऑफ रूरल एरिया, कि रूरल एरिया क्या है, क्या वहां पे इकोनॉमी कैसे चलती है, ये इसमें पढ़ना है। दूसरा है रूरल पॉपुलेशन और वो पॉपुलेशन क्या करती है। तीसरा है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और मनरेगा, NRLM या फिर सारी स्कीम्स। और ये सारी स्कीम्स जो यहाँ पे मेंशन की हैं, ये मेनली किसकी हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की। ओके, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की स्कीम्स है, मतलब जो दो ऊपर के पार्ट दिया है ये आपका स्टैटिक पार्ट है, जिसमें है कि आपने रूरल एरिया के कंसेप्ट को समझना है, रूरल इकोनॉमी को समझना है, उसके साथ साथ रूरल पॉपुलेशन और उसके ऑक्यूपेशन को। और थर्ड पार्ट है जिसमें कि पंचायती राज और कुछ स्कीम्स जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की हैं वो पढ़ना है। तो केवल इतनी ही सी चीज़ें पढ़नी है। तो अब आप ये ध्यान रखिएगा, चाहे आप ESI पढ़ें या फिर GA पढ़ें, जब आप मनरेगा स्कीम पढ़ रहे हैं तो आपका रूरल डेवलपमेंट भी कवर हो रहा है। NRLM लास्ट ईयर दो क्वेश्चन इससे आए थे, तो वो भी आपका कवर हो रहा है, चाहे आप उस स्कीम को अब ESI के अंदर पढ़ें चाहे GA के अंदर पढ़ें। ओके, तो ये चीज आपको साथ में देखते हुए चलनी है। अब हम कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं कि जो लास्ट ईयर ARD सेक्शन में पूछे गए थे, ESI की हम बात नहीं कर रहे, ARD सेक्शन में पूछे गए थे, और वो क्वेश्चन आपके रूरल डेवलपमेंट से हैं। जैसे अभी देखेंगे फोर्थ ऑल इंडिया हैंडलूम सेंसेस, तो अभी हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे मेंशन किया है चेंजेस इन द हैंडलूम्स। ओके, तो ये सिलेबस में मेंशन है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 7th of August को नेशनल हैंडलूम डे होता है, तो उस वजह से लास्ट ईयर, क्योंकि एग्जामिनेशन लास्ट ईयर 17 September को था, तो नेशनल हैंडलूम डे के दिन PIB अपडेट्स भी आए थे, उसी PIB से क्वेश्चन पूछा गया था। सेम कंडीशन इस बार फिर से होगी, तो फिर से आप इस बार जरूर पढ़ के जाइएगा। एज पर द फोर्थ ऑल इंडिया हैंडलूम सेंसिस, हाउ मेनी वीवर हाउस होल्ड आर लोकेटेड। तो अगेन ये अभी क्वेश्चन पूछ लिया, तो डेटा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको भी हम छोड़ते हैं। ये आप देख सकते हैं कि 6th of August 2021 को 7th नेशनल हैंडलूम डे, जो कि 7th of August को सेलिब्रेट किया जाता है, उसके ओकेजन पे ये आया था। यहाँ पे सारा कुछ इसमें डिविजन दिया हुआ है। देन एक क्वेश्चन था 5 kg ऑफ फूड ग्रीन, हालांकि ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की स्कीम नहीं है, ये किस स्कीम के अंदर दिया था, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुजलाम कैंपेन थी जो इंश्योर द ODF ओपन डेफिकेशन फ्री गेन्स एंड क्रिएट अ मिलियन सोक पिट्स अंडर विच मिनिस्ट्री, तो अगेन ये किस मिनिस्ट्री के अंदर है। बेसिक सा क्वेश्चन इस टाइप से पूछ लिए जाते हैं, आप देख सकते हैं, क्योंकि जो स्वच्छ भारत अभियान है वो भी जल मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर ही है, तो वो भी इसी स्कीम, वो जो सुजलाम स्कीम है वो भी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति में ही है। देन मैंने अभी आपको बताया कि NRLM से दो क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन था अकॉर्डिंग टू NRLM मैक्सिमम SHGs आर इन विच स्टेट, तो सबसे ज्यादा SHGs किस स्टेट में है ये पूछा गया था। सबसे ज्यादा SHGs बिहार में है। दूसरा क्वेश्चन भी NRLM से रिलेटेड था कि इंटरेस्ट सबवेंशन कितना दिया जाता है SHG को अगर वो लोन लेते हैं, तो अगेन 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन है। जैसा KCC में इंटरेस्ट सबवेंशन का केस है, वैसा ही पूरा का पूरा SHG के लिए भी है, तो ये ध्यान रखिएगा KCC में जो इंटरेस्ट सबवेंशन का पार्ट है वही SHG में भी दिया जाता है। सो ये था पिछली बार के क्वेश्चंस, हमने क्विकली देखे कि कैसे क्वेश्चंस पिछली बार पूछे गए थे और क्या आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। सिलेबस आपने देख लिया, क्वेश्चन आपने देख लिया, आप उसकी इंपॉर्टेंस समझ गए होंगे। अब हम
जो मैंने आपको पूरा बताया जैसे पहले कि रूरल एरिया क्या है, देन उस वहाँ पे रूरल इकोनॉमी कैसे चलती है, देन रूरल पॉपुलेशन और फिर स्कीम्स, वही हम डिस्कस करेंगे। हालांकि इनको इंडिविजुअली बाद में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट आप एक बार इसका पूरा का पूरा ओवरव्यू देख सकते हैं। तो अगर आप रूरल डेवलपमेंट की बात करेंगे, रूरल डेवलपमेंट या फिर हम कहते हैं ग्रामीण विकास, ओके, रूरल डेवलपमेंट, जब हम बैंक में भी थे यूनियन बैंक में, तो यूनियन बैंक में जो AFO होता है उसको रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर कहा जाता है, RDO। सो रूरल डेवलपमेंट मतलब एग्रीकल्चर को डायरेक्टली कोरिलेट किया जाता है रूरल डेवलपमेंट से। ओके, खैर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात थी। तो रूरल डेवलपमेंट का इंट्रोडक्शन है, क्यों इंपॉर्टेंट है, 2/3 ऑफ इंडियन पॉपुलेशन कहाँ रहती है, रूरल एरिया में। अभी आगे हम सेंसस में देखेंगे 68.8% ऑफ द पॉपुलेशन ये अभी भी रूरल एरिया में रहती है। ओके, तो ये इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन को डेवलप करना जिम्मेदारी है। दूसरा क्या रीजन है, बैकवर्डनेस ऑफ द रूरल सेक्टर। रूरल सेक्टर बैकवर्ड है, अब वो बैकवर्ड है उसको फॉरवर्ड कैसे लेकर आया जाएगा, थ्रू द रूरल डेवलपमेंट। तो इसलिए इस कंसेप्ट की हमें बहुत ज़्यादा जरूरत होती है। PDF आपको मिल जाएगा, डाउनलोड आप कर सकते हैं, तो इसलिए बहुत ज्यादा नोट करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा स्पीड में हम चलेंगे सो दैट कि आपको ओवरव्यू इसका मिल जाए। देन रूरल डेवलपमेंट की डेफिनेशन क्या है, तो इसकी कोई ऐसी डेफिनेशन है नहीं कि जो एक्यूरेट या फिर फिक्स बैठे, बट बेसिकली समझना कि रूरल एरिया को डेवलप करना है तो एक तो पॉवर्टी एलिविएशन, तो जितना भी कंसेप्ट पॉवर्टी एलिविएशन का होता है या फिर पॉवर्टी एलिविएशन से रिलेटेड स्कीम्स होती हैं, तो वो कहाँ पे हैं, रूरल डेवलपमेंट में। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस ओरिएंटेड इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें कि क्या है, टू इंप्रूव द इकोनॉमिक लिविंग स्टैंडर्ड बाय प्रोवाइडिंग फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन, जो किसकी जिम्मेदारी है, स्टेट की। टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी इन रूरल एरियाज एंड रिड्यूस द पॉवर्टी, लोगों को कहाँ इन्वॉल्व किया जाए, प्लानिंग में, डेवलपमेंट में, थ्रू देयर पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग थ्रू डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जिसके लिए क्या है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, कि उनको प्लानिंग में इंक्लूड किया जाए, समझा जाए कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट है और जो हमारी नीतियां बन रही हैं, स्कीम्स बन रही हैं, वो उनके बेनिफिट के लिए हो। टू एंश्योर द डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस एंड इक्वलाइजेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन द सोसाइटी, जो रूरल एरिया के लोग हैं उनको भी बराबर भागीदारी मिले समाज में, उसके लिए काम करना। सो ये बेसिकली डेफिनेशन में आता है जनरली, ये एम्स एंड ऑब्जेक्टिव भी हैं कि रूरल एरिया को कैसे डेवलप किया जाता है। देन आता है कि रूरल एरिया हम कहते किसे हैं, ओके, रूरल एरिया हम कहेंगे किसे, तो इसके लिए बेसिकली हर ने अलग अलग क्लासिफिकेशन किए हैं। इंपॉर्टेंट जो होता है वो लेटेस्ट सेंसस के अकॉर्डिंग होता है, जो लेटेस्ट सेंसस हमारे पास 2011 का ही है, 2021 का कोविड की वजह से अभी आगे डिलेड है। देन RBI ने किया है, हालांकि RBI का जो क्लासिफिकेशन है वो बेस्ड ऑन द बैंक ब्रांचेस, मतलब बैंक किस एरिया पे ब्रांचेस को ओपन कर सकती हैं, उस बेसिस पे उन्होंने क्लासिफाई किया है। आपने देखा होगा कि बैंक की ब्रांचेस क्लासिफाई होती हैं रूरल में, मेट्रो, सॉरी रूरल, सेमी अर्बन, अर्बन, देन मेट्रो। ओके, तो चार क्लासिफिकेशन उसके जनरली होते हैं। देन प्लानिंग कमीशन भी करता है क्लासिफिकेशन, सिमिलरली NSSO, हम जो देखेंगे वो लेटेस्ट सेंसस के अकॉर्डिंग देखेंगे क्योंकि ये सिलेबस से रिलेटेड है। ओके, देन कंसेप्ट ऑफ रूरल एरिया जो सेंसस के अकॉर्डिंग है उसके अकॉर्डिंग क्या है, इसको आप समझ लीजिए, इसको याद रखिएगा, बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है, इजीली याद हो सकता है। लास्ट ग्रेड A में तो नहीं, NABARD के ग्रेड B में इससे क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, ग्रेड B में पूछा गया था, A में तो नहीं पूछा गया था, मे बी इस बार पूछ लिया जाए। सो रूरल अर्बन क्लासिफिकेशन है, डेफिनेशन क्या है अर्बन यूनिट की, सेंसिस में उन्होंने क्या किया है कि सेंसिस में अर्बन एरिया को दे हैव डिफाइंड, बट दे डू नॉट हैव डिफाइंड द रूरल एरिया। तो आप ये समझ सकते हैं कि जो भी एरिया अर्बन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो वो कहाँ पे आ रहा है, रूरल एरिया में। नाउ यू विल अंडरस्टैंड, फर्स्ट पॉइंट इज ऑल स्टैचुरी प्लेसेस विद द म्युनिसिपैलिटी, कॉरपोरेशन, कैंटोनमेंट बोर्ड और नोटिफाइड टाउन एरिया कमेटी एक्सेट्रा, ऐसी कोई भी चीज में आता है तो वो रूरल एरिया नहीं कहलाएगा। मतलब अगर कहीं पे भी म्युनिसिपैलिटी है वो रूरल एरिया नहीं है, कॉरपोरेशन है, कैंटन बोर्ड है या फिर नोटिफाइड टाउन है तो वो रूरल एरिया नहीं है। बचा क्या, बच गई पंचायत, तो वो कहाँ पे आएंगी, रूरल एरिया में। प्लेस सेटिस्फाइंग ऑफ द फॉलोइंग 3 क्राइटेरिया साइमल्टेनियसली, अगर ये तीनों क्राइटेरिया साइमल्टेनियसली फॉलो कर रहा है तो वो क्या है, अर्बन एरिया है, और अगर कोई भी ये क्राइटेरिया नहीं फॉलो हो रहा है तो मतलब वो रूरल एरिया है। अब देखिए मिनिमम पॉपुलेशन ऑफ 5000, मतलब 5000 से ज्यादा पॉपुलेशन है, और इस 5000 का जो 75% पार्ट है वो भी मेल वर्किंग पॉपुलेशन का, वो नॉन एग्रीकल्चर में अगर काम कर रहा है, और इसके साथ ही साथ जो डेंसिटी है पॉपुलेशन की वो एटलीस्ट 400 स्क्वायर किलोमीटर, दैट इज 1000 पर स्क्वायर माइल होनी चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन होती हैं तो ये अर्बन एरिया कहलाएगा।
इसमें से कोई भी अगर कंडीशन मैच नहीं होती तो वो रूरल एरिया, मतलब अब अगर आपको रूरल एरिया की डेफिनेशन बनानी है तो आप क्या बनाएंगे कि वो स्टैचुरी बॉडी म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए वहां पे। दूसरा, उसकी पॉपुलेशन 5000 से कम होनी चाहिए, उसकी 75% जो मेल वर्किंग पॉपुलेशन है वो नॉन एग्रीकल्चर वर्क में एंगेज नहीं होनी चाहिए, मतलब एग्रीकल्चर वहां पे मेन सोर्स होगा। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ एटलीस्ट 400 स्क्वायर किलोमीटर, मतलब जो पॉपुलेशन की डेंसिटी है वो एटलीस्ट 400 होनी चाहिए स्क्वायर किलोमीटर पे। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ रूरल एरिया अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 एंड दिस इज ओनली द इंपॉर्टेंट। नाबार्ड में ग्रेड बी में पूछा गया था, अगर ग्रेड ए में भी पूछा गया तो ज्यादा से ज्यादा यही पूछा जाएगा, इसलिए आप इसको ध्यान से देखेंगे। देन रूरल पॉपुलेशन, ये कंसेप्ट था पहला रूरल एरिया वाला, अब रूरल पॉपुलेशन एंड रूरल वर्कफोर्स की, वो वर्कफोर्स करती क्या है, तो अगेन उसके लिए हमें ट्रेंड्स को समझना होता है और वो कहां से समझना होता है, सेंसस से। अब आप सेंसस देखेंगे 1901 का, ये था जिसमें इंडिया की 10.8% पॉपुलेशन अर्बन थी, 89.2% पॉपुलेशन रूरल थी। 1951 में 82.7% पॉपुलेशन रूरल थी और 17.3% अर्बन थी। 2011 में क्या हुआ, 68.8% पॉपुलेशन रूरल है, 31.2% अर्बन है। तो इससे दो तीन चीजें आपको सामने देखने को मिल रही हैं कि क्या है, अर्बनाइजेशन इंक्रीज होता जा रहा है, जिसका एक मेन रीजन माइग्रेशन भी होता है ड्यू टू द वेरियस रीजन, ये भी पढ़ेंगे क्योंकि माइग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन फेज टू में पूछा गया था, आपको उसमें डिटेल में आंसर करना था, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, फेज टू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरी चीज है कि एक्सटेंट, किस एक्सटेंट से ये इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, जो ग्रोथ रेट की हम बात करते हैं वो थोड़ा सा देखना होगा, अभी आगे टेबल में देखेंगे। पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, तो आप देखेंगे कि 2001 में 102.9 थी, 2011 में 121 करोड़ ये पॉपुलेशन हो गई। रूरल एरिया में 83.3 है, ये करोड़ में है, टर्म है, ये परसेंटेज नहीं है। अर्बन में 37.7 परसेंटेज चेंज की बात की जाए तो रूरल एरिया में कितनी चेंज हुई है, 12.3 और अर्बन में 31.8। तो मतलब अर्बन में जो परसेंटेज चेंज है वो हायर है एज कम्पेयर टू द रूरल एरिया। अब उसका रीजन सिर्फ ग्रोथ रेट ही नहीं है बल्कि माइग्रेशन भी एक बहुत बड़ा रीजन है उसके पीछे। देन रूरल अर्बन डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो पॉपुलेशन तो हमने देखा भी 62.32 मेल, 58.75 फीमेल, एंड सिमिलरली रूरल एरिया में 83.37 और अर्बन एरिया में 37.78, जो हमारी टोटल पॉपुलेशन है वो कितनी हो गई, 121। सेक्स रेशियो की बात करें तो अगर रूरल एरिया में 949 सेक्स रेशियो है, 929, और जो फाइनल ओवरऑल हमारी इंडिया का सेक्स रेशियो है ये 943 है। अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई थी उसके अकॉर्डिंग चेंज भी हो गया है, 1020 भी आगे हम देखेंगे, बट ये अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 था डेटा। सिमिलरली लिटरेसी रेट देखेंगे तो ये मेल का है, ये फीमेल का है, और रूरल अर्बन में देखेंगे तो रूरल एरिया में 68.80, अर्बन में 84.10 है, और ओवरऑल हमारी कंट्री का 73 था 2011 में। उसके बाद जो रिपोर्ट आती है NFHS की भी रिपोर्ट्स आती है, उसके अकॉर्डिंग चेंजेस आए हैं, ये सेंसस के अकॉर्डिंग है, ये चीजें याद रखिएगा, इवन स्टेट PCS या फिर उन एग्जाम में भी ये पूछा जाता है। देन इंडिया इज प्राइमली अ रूरल कंट्री विद 68.8% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन, 72.4% ऑफ द लेबर फोर्स इनहैबिट्स इन द रूरल एरिया। अब इसको समझिएगा कि जो हमारी टोटल पॉपुलेशन है उसका 68.8% रूरल पॉपुलेशन है, और जितना हमारा वर्कर क्लास है उसमें 72.4% किसमें है, रूरल एरिया में। देन ये एब्सोल्यूट इंक्रीज इन पॉपुलेशन मोस्ट इन अर्बन एरिया में आया है एज कम्पेयर टू रूरल एरिया, अभी हमने देखा भी हो, रूरल अर्बन डिस्ट्रीब्यूशन ये है, ये आप याद रखेंगे क्योंकि आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग में भी ये काम आ सकता है। लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन देखेंगे तो 27.81 था 2001 में, वो 31.16 हो गया है, जो कि इंक्रीज होता जा रहा है, और प्रोपोर्शन ऑफ रूरल एरिया डिक्लाइन हुआ है 72.19 से 68.4, मतलब जितना डिक्रीज यहाँ पे होगा उतना ही इंक्रीज अर्बनाइजेशन में होगा, क्योंकि ये परसेंटेज में है तो ये दोनों सिमिलर रहेंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पे दो तीन चीजें देखने की है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, एक लास्ट टू लास्ट ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये बेसिकली वर्किंग हम कह सकते हैं स्ट्रक्चर है कि पॉपुलेशन कहाँ पे काम करती है, एग्रीकल्चर पे, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन और सर्विसेज पे। तो आप देखेंगे 2011-12 में अगर हम देखेंगे 64.1% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे है डिपेंडेंट, 8.6 मैन्युफैक्चरिंग, 10.67 कंस्ट्रक्शन, 15.5 सर्विसेज में। अब आप यहाँ पे देखिए क्योंकि ये चेंज पूछा जाता है, 2004 और 5 में कंस्ट्रक्शन में 4.9 था, उससे पहले आप देखेंगे 3.3, 2.4, मतलब इतना कोई इंक्रीज था नहीं, बट 4.9 से मतलब लगभग ये डबल हो गया, ट्वाइस, ये एक बहुत बड़ा रीजन है, और वो भी किसमें, कंस्ट्रक्शन पे। अब ये क्यों हुआ आप यहाँ पे देख के ही समझ जाएंगे, 2004 से 5 से
2011-12 के बीच में, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट स्कीम थी एमजी नरेगा, ओके, तो वो स्कीम यहाँ पे आई, जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन में जो एम्प्लॉयमेंट के लिए एक सोर्स की बात है वो इंक्रीज हुई। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये जो इंक्रीज आया कंस्ट्रक्शन में उसका एक बहुत बड़ा रीजन मनरेगा है, ओके, क्योंकि ये एक जो सिस्टम या फिर हम कहते हैं ना रेशियो एक टाइप से चल रहा था या फिर ग्राफ एक टाइप से चल रहा था, वो अचानक से कैसे इतना डिफरेंस आया ओवर द ईयर। तो देन सेक्स रेशियो एज पर द 2011 सेंसस है, तो ये 2011 के अकॉर्डिंग है सेंसस के अकॉर्डिंग, बट अगर आप देखेंगे 17 दिसंबर 2021 को जो NFHS का आया था, तो उन्होंने उसमें ये बताया गया था कि फिफ्थ राउंड ऑफ द NFHS फीमेल्स पर 1000 मेल इज एस्टिमेटेड एज 1020, तो मतलब 1000 मेल्स पे फीमेल्स ज्यादा है 1020, तो ये अपडेटेड चाइल्ड सेक्स रेशियो है। चाइल्ड सेक्स रेशियो है और चाइल्ड सेक्स रेशियो दोनों में ही डिफरेंस रहता है, आप देख सकते हैं कि ये 0-6 ईयर्स के लिए है, ये सेक्स रेशियो है नॉर्मल, ओके। देन लिटरेसी रेट, तो लिटरेसी रेट एज पर 2011 सेंसस अभी हमने देखा भी था कि 73 है ओवरऑल कंट्री के लिए, बाकी रूरल अर्बन में डिफरेंट डिफरेंट है। देन कैटेगरी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, अभी जो पॉपुलेशन है, जो पॉपुलेशन रूरल एरिया में रहती है ये करती क्या है, तो ब्रॉड कैटेगरीज है बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ऑल्सो नोन एज फोर फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ द वर्कर। तो उसमें क्या क्या आते हैं, कल्टिवेटर्स, कल्टिवेटर्स मतलब जिनके पास अपनी लैंड होल्डिंग है, फार्मर्स, एग्रीकल्चर लेबरर्स, एग्रीकल्चर में काम करते हैं बट अपनी लैंड होल्डिंग नहीं है वो एग्रीकल्चर लेबरर्स, वर्किंग इन हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज, जो हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज हैं उसमें जो काम करते हैं, या फिर अदर वर्कर्स। तो ये बेसिकली चार कैटेगरीज हैं जिसमें कि वर्कर्स को क्लासिफाई किया जाता है। सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग देखेंगे तो आउट ऑफ 481.7 मिलियन टोटल वर्कर, 118.7 आर कल्टिवेटर्स एंड अनदर 144.3 आर एग्रीकल्चर लेबरर्स। तो ये क्लासिफिकेशन है, अगेन ये डेटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप इसको याद करें, बस आपको ये समझना है कि इस टाइप से हम क्लासिफिकेशन करते हैं एग्रीकल्चर वर्कर्स का, क्योंकि ये सिलेबस में दिया हुआ है, ये आपको थोड़ा सा समझना है। देन जो डायनेमिक पार्ट था जिसमें कि स्कीम्स है, ओके, तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में आप जाएंगे तो आपको सारी स्कीम्स मिल जाएंगी, मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, NRLM, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, NSAP, दिस इज नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम, SAGY क्या है, सांसद आदर्श ग्रामीण योजना, ओके, मैं इसको कंफ्यूज कर रहा था स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना से, क्योंकि वो तो अब चेंज होके NRLM में हो गई है। DDU GKY क्या है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, मिशन अंत्योदय ये NRLM के अंदर है, रू अर्बन SPRM श्याम प्रसाद मुखर्जी रू अर्बन मिशन है ना, पहले ये पूरा था, पूरा मतलब प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन द रूरल एरियाज, तो उसको आगे मॉडिफाई करके ये किया गया है। इसके अलावा देखेंगे अभी एक लेटेस्ट मिशन स्टार्ट किया गया है, अमृत सरोवर मिशन, ये PIB में भी हमने कवर किया था, जिसमें कि हर जिले में कम से कम 75 अमृत सरोवर बनेंगे, मतलब जो वाटर बॉडीज हैं उनको स्ट्रेंथन करना है, उनको रिनोवेट करना है, उनको रेस्टोर करना है, ये एम है। लगभग 50,000 अमृत सरोवर का निर्माण जियो स्पेशल रिमोट सेंसिंग से ये किया जाएगा, और ये आधारशिला जो रखी जाएगी वो स्वतंत्रता सेनानी या शहीदों के परिजन के लिए रखी जाएगी। तो जनरली ये अमृत सरोवर स्कीम है, ये इंपॉर्टेंट है, अभी रिसेंटली इसको लॉन्च किया गया है, इसको हम डिटेल में डिस्कस भी करेंगे, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन इससे इस बार आ सकता है। देन एम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ द रूरल डेवलपमेंट, तो इससे आप समझ जाएंगे रूरल डेवलपमेंट के एम एंड ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, या फिर पर्सपेक्टिव क्या होता है, जो कि लास्ट ईयर एक क्वेश्चन पूछा गया था डिस्क्रिप्टिव में, अगर आपको एम एंड ऑब्जेक्टिव पता है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के तो आप कर सकते हैं। आप देखेंगे जितने भी एम एंड ऑब्जेक्टिव है उससे रिलेटेड एक स्कीम भी है, जैसे प्रोवाइडिंग लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज टू वुमेन एंड अदर वल्नरेबल सेक्शन विद अ फोकस ऑफ BPL हाउसहोल्ड्स, तो वुमेन एंड अदर वल्नरेबल्स के लिए कौन सी है, डे NRLM, ओके, पहले इसको आजीविका भी बोलते थे, सिलेबस में आजीविका ही मेंशन है, क्योंकि सिलेबस में आप देखेंगे तो वो अपडेट नहीं किया गया है, वहाँ पे सिलेबस में NABARD ने ISFR 2015 लिखा है, जबकि उसके बाद थर्ड बार ISFR 2021 आ चुका है। देन प्रोवाइडिंग द एनहांसमेंट ऑफ लाइवलीहुड सिक्योरिटी, 100 डेज गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट, तो ये क्या है, MG नरेगा, ओके, डेफिनेशन को इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे तो 6 पॉइंट वाले से भी ट्रिक से भी डिस्कस करेंगे, तो उसके लिए अलग वीडियो बनाएंगे, अभी यहाँ पे हम ओवरऑल देखते हुए चल रहे हैं। ऑल वेदर रूरल कनेक्टिविटी, तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, इसका फेज 3 चल रहा है ना, फेज 3 का मेन एम क्या है कि रोड को ई डैम या फिर APMC मार्केट से कनेक्ट करना, और साथ ही साथ जो सोशल फैसिलिटीज हैं वो उन तक उनको पहुंचाना, जो कि हॉस्पिटल्स, एजुकेशन, ये सिस्टम है। देन प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरिया,
तो SPM RM स्कीम है इसके लिए, श्याम प्रसाद मुखर्जी रू अर्बन मिशन। देन कैपेसिटी डेवलपमेंट, तो DDU GKY इसके लिए स्कीम है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ द वॉलंटरी एजेंसी, तो ये तो PPP मोड में है। और देन इसके अलावा प्रोवाइडिंग बेसिक हाउसिंग एंड होमस्टेड, तो प्रधानमंत्री आवास योजना। सोशल असिस्टेंट टू द एल्डरली विडो एंड द डिसेबल्ड, तो NSAP नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, ये स्कीम है सोशल असिस्टेंस मतलब, जिसमें कि पेंशन दी जाती है सरकार के द्वारा। रिस्टोरिंग लॉस्ट और डिप्लीटेड प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड, तो इसके लिए तो मेन जो स्कीम है वो है वाटरशेड डेवलपमेंट, और वाटरशेड डेवलपमेंट या फिर इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम भी है। तो ये बेसिकली पार्ट है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का, तो वो बेसिकली जो हमने डिस्कस भी किया था, जो पिछली स्कीम डिस्कस की थी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, उसमें तीन मिनिस्ट्री का रोल है, जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उसमें। दो कंपोनेंट मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के हैं, AIBP एसोसिएटेड इरीगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, और उसके साथ साथ हर खेत को पानी, जिसको माइनर इरीगेशन बोलते हैं। इसके अलावा वाटरशेड मैनेजमेंट है, ये रूरल डेवलपमेंट का, क्योंकि अगर रूरल एरिया को डेवलप करना है तो हमको पहले वाटरशेड बनाना होगा, या वाटरशेड के बिना हम रूरल एरिया को डेवलप करेंगे ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि अगर आप एग्जांपल देखते हैं रालेगढ़ सिद्धी का, जो कि अन्ना हजारे का विलेज है, उसके डेवलपमेंट की अगर आप बात भी देखेंगे, वो भी डेवलपमेंट कहाँ से शुरू हुआ, वाटरशेड से। सबसे पहले हमें वाटर को कंजर्व करना होता है, NC2 XC2, डिटेल में इस कंसेप्ट को पढ़ेंगे, क्वेश्चन हर बार यहाँ से पूछा जाता है। देन मैं फोर्थ कंपोनेंट में बताना भूल गया, PMGSY का फोर्थ कंपोनेंट है पर ड्रॉप मोर क्रॉप, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का। ओके, तो ये चार कंपोनेंट है प्रधानमंत्री ग्रामीण सॉरी कृषि सिंचाई योजना के, ये आपको ध्यान रखने हैं। तो ये वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम के थ्रू किया जाता है। अब जितने एम एंड ऑब्जेक्टिव थे उतनी ही स्कीम है, मनरेगा, NRLM, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, NSAP, रूअर्बन मिशन, इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट। ओके, तो अब ये देखिए कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट को अगर आप ऐसे समझेंगे ना, आपको बताना भी आसान रहेगा, इवन इंटरव्यू प्रिपरेशन में भी, जब इंटरव्यू की प्रिपरेशन करते थे तब भी हम स्टूडेंट को कहते थे कि आप मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव देखिए, देन स्कीम्स देखिए, जो उनके एम एंड ऑब्जेक्टिव है वही उनका रिफ्लेक्शन स्कीम्स में है। ओके, और वो हर एक पॉइंट को टच करते हैं, मतलब आप देखिए रहने से लेके लाइवलीहुड प्रोवाइड करना, देन सोशल सिक्योरिटी, ये सारी चीजें कवर्ड है। तो इंडिविजुअली हम इन स्कीम्स को डिस्कस करेंगे, हम इसको जस्ट में देखते हैं। इनेक्टेड हुई थी ये 25th of August 2005 में, स्कीम वॉज इंट्रोड्यूस इन 200 डिस्ट्रिक्ट इन द फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2006 एंड 2007, देन उसके बाद 2007 एंड 2008 में 130 डिस्ट्रिक्ट में, तो इसको बाद में डिस्कस करेंगे। DNRLM अगेन दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम, आजीविका इसको हम पहले बोलते थे, और जितना भी SHG फाइनेंसिंग है, पहले था SHG बैंक लिंकेज, उसके बाद आया SHG क्रेडिट लिंकेज। तो क्रेडिट लिंकेज मतलब हर एक SHG को पहले तो बैंक से लिंक किया गया, अब उसके बाद हर एक SHG को क्रेडिट दिया गया, मतलब लोन दिया गया, सो दैट कि वो अपना कुछ ना कुछ स्वरोजगार कर सके और उसके बाद अपना एंटरप्राइज स्टार्ट कर सके। ओके, तो इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी आज इसको यहीं पे एंड करते हैं रूरल डेवलपमेंट को। ये मेरा कोशिश थी कि मैं आपको बेसिक बता दूं कि रूरल डेवलपमेंट क्या है, और आपके मन में वो भार ना रहे कि यार मेरा रूरल डेवलपमेंट कहीं पे छूट रहा है। ओके, तो बेसिकली आप कुछ भी पढ़ रहे हैं तो रूरल डेवलपमेंट तो आपका कवर हो रहा है। ये आप देख लीजिए कि सेंसस आपको थोड़ा सा पढ़ना है, सेंसस के अलावा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन या जितनी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की स्कीम्स हैं, ये हमने अपने स्टडी प्लान में, और जो हमने डिटेल्ड स्टडी प्लान दिया है उसमें भी मेंशन की है। आप अगर वो भी डाउनलोड करते हैं, लिंक आपको मिल जाएगा, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारा कोर्स लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, अभी कुछ दिन के लिए 50% ऑफ चल रहा है। इसके अलावा रेगुलरली मॉक टेस्ट दीजिए, वीकेंड में अपना शेड्यूल बनाइए कि हर वीकेंड में आपको दो मॉक टेस्ट तो देने ही, आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट जरूर दीजिए, क्योंकि उससे ये भी पता चलता है कि आप 120 मिनट में कितना कर पा रहे हैं किस सेक्शन को। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन, दिस वॉज ऑल अबाउट द रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट सेशन में फिर से स्टार्ट करेंगे ARD कंसेप्ट का एक वीडियो, देन उसके बाद ARD स्टैटिक सॉरी डायनामिक का, देन इसी तरह से चलता रहेगा। साथ ही साथ ESI के भी हम डिस्कस करेंगे, तो आप बने रहें हमारे चैनल में, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे अहेड।